ओके तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में बात करूंगा कुछ ऐसी मछलियों के बारे में जो काफ़ी कम दाम में आपको इंडियन प्राइस में मिल जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूं कि इस वीडियो में हम ऐसी फिशेस के बारे में जो बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा चीप होती है। नहीं तो ऐसा होता है कि बहुत सारे फिश ऐसी होती है जो काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाता है, लेकिन आप उनको लाते घर पर और अच्छे से रखते हैं तो उनको जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको बड़ा टैंक देना पड़ता है, उनको खाना न्यूट्रिशन खाना देना पड़ता है, लाइफ फीड देना पड़ता है, या फिर फिल्टरेशन सिस्टम अच्छे से फिल्टरेशन सिस्टम आपको देना होता है। तो बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस होता है तो ये चीप नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फिशेस के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा चीप होती है, उनको मेंटेन करना भी काफ़ी ज़्यादा चीप होती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये चीप ही रहेगी आपके लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है गप्पी फिश। प्राइस है 3 से 10 रुपये तक। फैंसी गप्पी के प्राइस है 20 से 25 रुपये तक। मौली फिश ये आपको 6 से 15 रुपये तक के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। अगर आप फैंसी मौली की बात करें तो 15 से 20 रुपये तक के प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा। थर्ड नंबर पर आता है प्लेटे फिश, ये भी आपको 6 से 15 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। अगर आप फैंसी की बात करें तो 20 से 25 रुपये तक के प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा। दोस्तों जो तीनों फिशेज़ के बारे में बात की वो लाइव बेयर्स है। ये लाइव बेबीज़ देते हैं, नहीं कि अंडा देते हैं ज़्यादातर फिशेज़ की तरह, ये लाइव बेबीज़ देते हैं और उनको मेंटेन करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और एक बात की ये बहुत ज़्यादा कलर वेरिएंट है, तीनों फिश बहुत सारे कलर वेरिएंट्स है, बहुत सारे स्पीसीज में आपको मिल जाता है। मैं उनके बारे में इस वीडियो में नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फोर्थ नंबर पर आता है डैनियो फिश, ये आपको 6 से 10 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। ग्लो डैनियो भी मिलता है, वो आपको 10 से 15 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। फिफ्थ नंबर पे आता है वूरी टेट्रा, ये आपको 5 से 10 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। फिर ग्लो टेट्रा की बात करें तो ये 15 से 25 रुपये तक के प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा। सिक्स नंबर पे आता है टाइगर बार्ब, ये आपको 6 से 10 रुपये तक के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। तो ये होगा एकदम चीप कैटेगरी, काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा और इनको मेंटेन करना भी काफ़ी ज़्यादा चीप होता है। तो इससे आगे बढ़ के कुछ ऐसे फिश के बारे में बात करेंगे जो थोड़े मेंटेन कॉस्ट भी थोड़ा सा महंगा होगा। तो फर्स्ट नंबर पे आता है गोरामी फिश, ये आपको 20 से 30 रुपए तक के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। एंजल फिश ये आपको 20 से 30 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। गोल्ड फिश ये आपको 20 से 30 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। स्मॉल साइज़ या फिर मीडियम साइज़ के गोल्ड फिश, इनके बारे में एक बात बता देता हूँ कि इनके लिए कम से कम 2 फीट का टैंक आपको देना ही देना होगा और पावर फिल्टर से नीचे स्पॉन्ज फिल्टर आप यूज़ नहीं कर सकते इनके लिए। एंजल फिश के लिए आप स्पॉन्ज फिल्टर यूज़ करते हैं, लेकिन गोल्ड फिश के लिए आपको पावर फिल्टर या फिर हैंग ऑन बैकफील्ड आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, तो ये होगा 3 ऐसे फिश जो थोड़े से ज़्यादा महंगे होते हैं। दोस्तों इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कुछ ऐसे फिश के बारे में बता देता हूँ। कुछ ऐसी फिशेज भी होती है जो काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा, लेकिन उनको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो पहले नंबर पे आता है परून शार्क, 15 से 20 रुपये तक के प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये फिशेस काफ़ी जल्दी बड़ी हो जाएगी और उनको काफ़ी ज़्यादा खाने की ज़रूरत होगी, लाइफ फीड की ज़रूरत होगी, फिल्ट्रेशन सिस्टम बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ज़रूरत होगी और कम से कम 3 फीट के टैंक की आपको इनको देना होगा, प्रोवाइड करना होगा 3 फीट का टैंक या फिर 3.5 फीट का टैंक आपको प्रोवाइड करना होगा, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। इसके बाद आता है इरीटेशन शार्क, ये भी 20 से 25 रुपए तक के प्राइस रेंज में आपको अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन इनको भी मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है, ये भी काफ़ी जल्दी बड़ी हो जाती है और ये मछली भी फिल्टरिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा देना होता है, लाइफ फिट देना होता है, मिनिमम 3 फीट के टैंक आपको देना ही होगा। उसके बाद आता है एल्बिनो कैटफिश, ये भी 10 से 15 रुपये तक के प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा स्मॉल साइज़, लेकिन इनको भी मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। उसके बाद आता है कोई कार्ब, ये भी 5 से 10 रुपये या फिर 15 रुपये के प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा, लेकिन मुश्किल ये होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी बड़ी हो जाती है और टैंक को काफ़ी ज़्यादा गंदा करती है गोल्ड फिश की तरह, तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फिल्टर सिस्टम की ज़रूरत है, कम से कम 3 फीट का टैंक आपको ज़रूरत होगा। तो ये था मेरा पूरा लिस्ट जो मैंने फर्स्ट बताया, तो वो काफ़ी ज़्यादा चीप होती है, उनको मेंटेन करना भी काफ़ी ज़्यादा चीप होती है। सेकंड जो मैंने बताया फिशेज़ के बारे में, 3 ऐसी फिशेज़ के बारे में, थोड़ा सा महंगा होता है पहले के फिशेज़ के मुकाबले थोड़ा सा महंगा होता है, उनको मेंटेन कॉस्ट भी थोड़ा सा महंगा होता है। और कुछ ऐसे फिशेज़ के बारे में बताया आखिर में जो काफ़ी ज़्यादा सस्ती तो है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा इनके लिए। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और वीडियो को ख़त्म करने से पहले ये बात बताता हूँ कि अगर मैंने इस वीडियो के अंदर कौन से फिशेस कौन से टैंक में कितने क्वांटिटी में रखना ये मैंने नहीं बताया क्योंकि इसको बताने से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप कमेंट करें, मैं कमेंट में आंसर दे दूँगा कि कौन से फिशेस कौन से टैंक में कितने क्वांटिटी में रखना होगा। अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे तो भाई थैंक यू, सब्सक्राइब करें चैनल को, पसंद आता तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और क्या शेयर करें। थैंक यू भाई।